दोस्तों स्वागत है आपको और एक नया वीडियो में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों, अगर आपके WhatsApp में बैकअप नहीं किए हो अभी तक, पूरा चार्ट्स या जो भी आपका WhatsApp का हिस्ट्री है अभी तक बैकअप नहीं किए हो, आपका मोबाइल चोरी हो गया है या कहीं पे ख़राब हो गया है और आप नया मोबाइल खरीद रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी जो WhatsApp पे आपका चार्ट हिस्ट्री है, WhatsApp पे जो भी है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब आपको मिल सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद भी आपको पूरा का पूरा डिटेल्स वापस मिलेगा, पूरा हिस्ट्री वापस मिलेगा दोस्तों। आपका ऑनलाइन क्लासेस से लेकर जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों एक चुटकी में। क्या करना है मैं आपको अभी मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर लेके जाके लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, आपको बैकअप कैसे करना है, ये सब करके रखिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल में, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ आपको पता नहीं होता, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कब जरूरत पड़ जाए आपके पूरा किसी चार्ट का या हिस्ट्री का बैकअप का। तो आप ये सब करके रखिए आपके सेफ्टी के लिए, आपके फ्यूचर के सेफ्टी के लिए। चलिए जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको WhatsApp ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा डेली, वीकली, मंथली और नेबर। तो यहाँ पे अगर आप डेली करना चाहते हो, डेली और वीकली करना चाहते हो, तो वीकली सिलेक्ट कर लेने के बाद आपका एक ईमेल आईडी पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे आपको क्लिक करके टर्न ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे ये ऑन कर लेने के बाद दोस्तों नीचे आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, मतलब यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेफ और सिक्योर है। कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके से आपको ये हैक नहीं कर सकता आपका WhatsApp आपके चार्ट को। तो यहाँ पे एक पासवर्ड आप अपने खुद के लिए डाल दीजिए। तो दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसका मतलब है क्रिएट योर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बैकअप। क्रिएट पे क्लिक कर लेने के बाद आपका प्रोसेस जो है ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे गूगल अकाउंट पे आपको गूगल अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, और यूट्यूब वीडियो पे अगर आप वीडियो भी बैकअप करना चाहते हो सिलेक्ट कर लीजिए या ये ऑफ कर दीजिए, आपके जो मर्जी होगा आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरे मोबाइल पे बैकअप कैसे करना है, पूरा आपका हिस्ट्री वीडियो भी अगर आप चाहो तो नीचे ऑप्शन पे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। लेकिन ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको पूरा वीडियोस भी चाहिए आप वो भी कर सकते हो, या सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स या मैसेज चैट का चाहिए वो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। वीडियो आपको कैसे लगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके एक जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ अगला और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।